मैं भारत के दो लोगों का नाम ले कहूंगा। एक व्यक्ति है इस देश में, उसका नाम है पी चिदंबरम। ये भारत में बहुत लंबे समय तक वित्त मंत्री रहा और इस व्यक्ति ने इंदौर नाम के शहर में मध्य प्रदेश में एक भाषण दिया था और मैं उस दिन वहां था, उस भाषण में सामने बैठा था मैं और चिदंबरम मंच से बोल रहा था। कार्यक्रम क्या था, नई दुनिया नाम का एक अखबार निकलता है इंदौर से, नई दुनिया अखबार ने एक किताब प्रकाशित की थी, पुस्तक का प्रकाशन किया था, उसका विमोचन करने के लिए चिदंबरम आया था। तो भाषण दिया उसने और क्या भाषण दिया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा है, यहीं से भाषण शुरू किया अंग्रेजी में। अच्छा था कि वो अंग्रेजी में बोल रहा था, ज्यादा लोग समझ नहीं रहे थे। हाँ, उसने शुरू किया, भारत हजारों साल से गरीब देश रहा, भारत हजारों साल से मुफलिशी का शिकार रहा, ऐसे ऐसे उसने कहना शुरू किया। फिर बीच में कहने लगा, ये तो भला हो अंग्रेजों का जो वो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा बेहतर बना दिया, वरना हम तो अंधेरे में डूबे हुए थे, हमको तो कोई ज्ञान नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था, इस देश में तो भयंकर गरीबी ही गरीबी थी। और ये जब वो भाषण दे रहा था तो बार बार पंडित नेहरू को कोट कर रहा था, पंडित नेहरू ने ऐसा कहा, पंडित नेहरू ने वैसा कहा, पंडित नेहरू ने ये कह दिया, उन्होंने वो कह दिया। वो भाषण जैसे ही पूरा हुआ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हाँ, मैं इधर उधर देख रहा था, किसी के मन में कोई तकलीफ नहीं। मैंने कहा मैं तो पूछने वाला हूं इस चिदंबरम से, तो मैंने कहा कि अगर भारत हजारों साल से गरीब था, मैंने सीधे कहा उसको, तो अंग्रेज यहां 250 साल झक मारने के लिए क्यों आए? हजारों साल से गरीब देश, गरीबों के यहां कोई 250 साल रहता है आके? गरीबों के तो कोई दर्शन करने नहीं जाता, 250 साल रहना तो कोई सामान्य बात है? 250 साल में 50 पीढ़ियां जवान होके मर गई अंग्रेजों की, यहां क्यों रहे वो? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो पुर्तगाली 450 साल झक क्यों मार रहे थे इस देश में? क्यों आए 450 साल पुर्तगाली अपना देश छोड़कर? 1492 में वास्को डिगामा घुस गया इस देश में और निकला नहीं, फिर अंत तक मार मार के निकालना पड़ा गोवा से पुर्तगालियों को। तो 450 साल पुर्तगाली क्यों आए, 250 साल अंग्रेज क्यों रहे? और भारत अगर हजारों साल से गरीब था तो ये मुगल क्यों आए झक मारने के लिए यहां 300 साल? बाबर क्यों आया, उसने सल्तनत क्यों बनाई? गरीबों के देश में जाके कोई राज्य स्थापित करता है क्या? और इतना ही क्यों, मोहम्मद बिन कासिम क्यों आया इस देश में 7वीं शताब्दी में जब हम हजारों साल से गरीब थे? महमूद गजनवी क्यों आया सोमनाथ का मंदिर लूटने के लिए जब हम हजारों साल से गरीब थे? तैमूर लंग क्यों आया, नादिर शाह क्यों आया, अहमद शाह अब्दाली क्यों आया जब हजारों साल से हम गरीब ही थे? तो इनको तो कहीं अमीर देशों में जाना चाहिए था, वो सब यहां क्यों आए? और सिकंदर क्यों आया यहां अगर हम हजारों साल से ही गरीब थे तो? सिकंदर ने अपने गुरु को यह क्यों कहा कि जब तक भारत विजय नहीं कर लेता तब तक विश्व विजय मेरी नहीं होगी, इसलिए भारत को जीतना बहुत जरूरी है, तो आया यहां पर। और यह तो भारतवासियों का पराक्रम था कि वो भारत को जीत ही नहीं पाया, मार के भगा दिया हमने उसको, रास्ते में मर गया। और आपको तो इतिहास में मालूम है, शक यहां आए, हूण यहां आए, पिंडारी यहां आए। क्यों आए भाई, हम तो गरीब हैं, भुखमरी के शिकार हैं, बेरोजगारी हमारे यहां है, फिर क्यों आए ये सब? तो चिदंबरम चुप हो गया, बोला कुछ नहीं। मन का उत्तर दे दो, अगर ये हजारों साल से ही गरीब देश है तो? कहने लगा, नेहरू जी ने कहा। मैंने कहा नेहरू जी से तो पूछ नहीं सकता मैं, क्योंकि वो जिंदा नहीं है, होते जिंदा तो उनसे पूछ लेता।
कि कहां से मिला ये तुम्हें कि भारत हजारों साल से गरीब है? किसने कह दिया भारत हजारों साल से गरीब है? मैंने कहा तुम नेहरू के मानस पुत्र हो, तुम ही बता दो। और क्या, मानस पुत्र है कि नहीं नेहरू का? मैंने कहा तुम ही बता दो भाई, नेहरू जी से तो क्या पूछ सकता हूं मैं। तो फिर चुप हो गया। ये तो एक बात हुई। ऐसी एक घटना घटित हुई, मनमोहन सिंह जब भारत के वित्त मंत्री बने और थोड़े दिन बाद फिर प्रधानमंत्री बन गए। पहली बार जब ये प्रधानमंत्री बने तो ऑक्सफोर्ड गए थे, अटल जी के बाद इन्हीं का नंबर आया ना, तो ये गए ऑक्सफोर्ड। वहां पर एक सम्मान समारोह हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का, उसमें इनको डी लिट की उपाधि दी गई। तो सम्मान समारोह में इन्होंने एक भाषण दिया 40 मिनट, वो रिकॉर्डेड है हमारे पास। उसमें उन्होंने यही गाना गाया, भारत हजारों साल से गरीब देश है। ये तो अंग्रेज थे जो भारत में आए और उन्होंने भारत को थोड़ा सभ्य बनाया। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने आकर भारत को तकनीकी सिखाई। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में विज्ञान लाया। हम अंग्रेजों के बहुत आभारी हैं जिन्होंने भारत में उद्योग लाए। हम अंग्रेज, ये बोला उन्होंने 40 मिनट। अगले दिन ये भाषण इंग्लैंड के अखबारों में छपा, तो कई अखबारों ने टिप्पणी लगाई, हेडिंग लगाया कि लगता है भारत अभी भी अंग्रेजों की गुलामी में ही है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जो गान गा रहा है यहां आकर, वो एक स्वतंत्र देश के स्वाभिमानी प्रधानमंत्री का गाना नहीं है, ये तो गुलाम देश के गुलाम प्रधानमंत्री का गाना है। और मैंने ये दो नाम इसलिए लिए कि दोनों जिंदा हैं ये। हाँ, दोनों जिंदा, और इनके साथ मेरे दिल की तमन्ना है कि एक बार इनको मंच पे बिठाओ दोनों को, और मैं इनसे शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। भारत के बारे में, और मैं उनको वो प्रमाण देना चाहता हूं, वो दस्तावेज सौंपना चाहता हूं जो भारत की कहानी कुछ और कहते। तो फिर चुप। और ये कितने बड़े लेवल के इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूट हो सकते हैं? चिदंबरम साहब मनमोहन सिंह से दो कदम आगे हैं। ये लंदन गए थे, अक्टूबर 96 की बात कह रहा हूं, अक्टूबर 96 में ये लंदन गए थे, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट क्या दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टेटमेंट दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज हिंदुस्तान में 200 साल के लूटने के लिए आए थे। मैं आपको फिर से इन्वाइट करने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर इस देश में आप लूटने के लिए चले आइए, एंड देयर विल बी अ ह्यूज रिवार्ड फॉर यू। क्या कहें इसको, सिवाय ट्रेटर के दूसरा कोई शब्द मुझे मिलता नहीं जो मैं चिदंबरम के लिए इस्तेमाल करूं। कि एक ऐसा व्यक्ति इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर है जो लंदन में जाके कहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी 200 साल के लिए आई थी और आपने हमको लूटा। मैं आपको दोबारा निमंत्रण देने आया हूं कि अगले 200 साल के लिए फिर आ जाइए और लूट कर ले जाइए इस देश को। तो ऐसे लोग जब इस देश में फाइनेंस मिनिस्टर बनना शुरू हो जाए तब तो इस देश का बंटा धार। ऐसे एग्रीमेंट साइन हुए हैं लिबरलाइजेशन के नाम पर कि आप चौंक जाएंगे। अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है पेप्सी कोला। पेप्सी कोला के साथ भारत सरकार ने एक एग्रीमेंट साइन किया है कि हर साल पेप्सी कोला 10,000 मीट्रिक टन केमिकल वेस्ट अमेरिका से लाकर हिंदुस्तान में डंप करेगा। ये है लिबरलाइजेशन, और ये 2 साल से डंप होना शुरू हो गया है। सबसे पहली डंपिंग किया था पेप्सी कोला ने मद्रास के पास, एक गांव है, और अब इस साल से पेप्सी कोला डंप कर रहा है उस केमिकल वेस्ट को। केरल में एक जगह है, उसका नाम है वाईपीन। वाईपीन बहुत सुंदर द्वीप है, एक बार मैं गया हूं, इतना खूबसूरत है कि जाने के बाद लौटने का मन नहीं करता। अब उस वाईपीन द्वीप पर अमरीका से लाया हुआ 10,000 मीट्रिक टन कचरा वेस्ट डंप किया जा रहा है, और ये काम पेप्सी कोला कर रहा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि लिबरलाइजेशन हो रहा है इस देश में, ग्लोबलाइजेशन। और ऐसे एक नहीं,
हंड्रेड्स ऑफ एग्रीमेंट साइन हुए हैं कनेडियन कंपनियों के साथ, ऑस्ट्रेलियन कंपनियों के साथ, अमेरिकन कंपनियों के साथ, न्यूजीलैंड की कंपनियों के साथ, कि वो दुनिया भर के तमाम देशों का, कनाडा की एक कंपनी से तो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको लेके हमने एक पिटीशन फाइल किया। एग्रीमेंट ये है कि कनाडा की कंपनी अपना एटॉमिक वेस्ट लेकर आएगी और हिंदुस्तान में डंप करेगी। ये कंपनी पहले बांग्लादेश के साथ एग्रीमेंट करना चाहती थी, बांग्लादेश की सरकार भी इतनी होशियार है कि जब उनको पता चला कि ये लाने वाले क्या हैं तो एटॉमिक वेस्ट आएगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हम इसको परमिशन नहीं देने वाले। जो एग्रीमेंट बांग्लादेश की सरकार ने नहीं किया वो एग्रीमेंट हमारी सरकार ने किया कनाडियन कंपनी के साथ। और ऐसे 100 से ज्यादा एग्रीमेंट साइन हुए हैं जिसमें हर साल इस देश में हजारों मीट्रिक टन कचरा आएगा उनके देश का और इस देश में डंप किया जाएगा। और एक बड़ा ऐतिहासिक दस्तावेज ऐसा ही है मेरे पास, हॉलैंड की एक कंपनी है सीजवॉन वीवी, उसके साथ मनमोहन सिंह ने एक एग्रीमेंट साइन किया। क्या एग्रीमेंट था? कि हॉलैंड के सुअरों का गोबर 1 करोड़ टन हर साल हिंदुस्तान में लाकर डंप किया जाए, ये एग्रीमेंट किया मनमोहन सिंह, और उसके दस्तावेज मेरे पास। क्यों किया है? तर्क क्या था मनमोहन सिंह का? तर्क यह था कि हॉलैंड के सुअरों का जो गोबर है वो क्वालिटी में बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है क्वालिटी में? तो वो तर्क दे रहे थे जब हमने कहा कि ये आपने क्यों किया, तो एक दिन दिल्ली की एक मीटिंग में उन्होंने इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमने इसलिए ये एग्रीमेंट साइन किया कि हॉलैंड के जो सुअरों का गोबर है वो बहुत अच्छा, क्वालिटी में बहुत अच्छा। और दूसरा क्यों अच्छा है? क्योंकि वहां के सुअर सोयाबीन खाते हैं। तो मैंने सवाल पूछा उनसे उस मीटिंग में कि ये सोयाबीन जाता कहां से? कि हमारे देश से जाता है। कहां से जाता है? मध्य प्रदेश से जाता है। आपको मालूम है इस देश में मध्य प्रदेश को पूरा सोयाबीन का बेल्ट बना दिया इसी ग्लोबलाइजेशन के चक्कर। तो क्या हो रहा है? सोयाबीन के लिए हजारों हजारों हेक्टेयर खेती बर्बाद कर दी गई है। सारे दुनिया के एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट कहते हैं कि 10 साल सोयाबीन की खेती के बाद 11वें साल आप उस खेत में कुछ नहीं कर सकते, वो बंजर हो जाता है। इसलिए यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते। तो यूरोप के देश सोयाबीन पैदा नहीं करते, लेकिन हॉलैंड एक ऐसा देश है जो सुअरों को पालता है। मैंने हॉलैंड में देखा बड़े बड़े रेंच होते हैं पिग्स के, हमारे यहां रेंच होते हैं गाय के, उनके यहां रेंच होते हैं पिग्स के। क्यों बनाते हैं रेंच? क्योंकि सुअर का मांस खाना, और सुअर के मांस को स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको सोयाबीन खिलाना। लेकिन हॉलैंड की सरकार वो सोयाबीन अपने खेतों में पैदा नहीं होने देती, उसके लिए भारत सरकार से उन्होंने समझौता करके हमारे यहां सोयाबीन पैदा करवाना शुरू किया। तो यहां से सोयाबीन की खली जाती है, उनके सुअर खाते हैं, और उसके बाद जो टट्टी करते हैं वो हमारे देश में आएगी, ये एग्रीमेंट किया। और ये एग्रीमेंट एक ऐसे व्यक्ति का है जिसको हिंदुस्तान में बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर का अवार्ड मिला। पता नहीं उनके दिमाग में भी वही गोबर भरा हुआ है। और जब हम कोर्ट में गए ये सब बातें लेकर, और मनमोहन सिंह को लगा कि अब फंसने वाले हैं, और जवाब नहीं देते बन रहा था उनको, कोर्ट ने नोटिस इशू कर दिए थे, इसको हमने पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन बनाया था, तो मनमोहन सिंह ने फिर बाद में प्रेशर में आके वो एग्रीमेंट कैंसिल किया। ऐसे एग्रीमेंट साइन होते हैं लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। कोई एक मॉनिटरिंग कमेटी नहीं है इस देश में जो ये छांटती हो।